जय मां आदिशक्ति भवानी। रोजाना पितृ शांति के लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास जिनको पितृ दोष है, जन्म पत्रिका में पितृ दोष है और जन्म पत्रिका न होने के बावजूद भी पितृ दोष के लक्षण नजर आते हैं, तो वह मनुष्य ये पूछते हैं कि साहब पितृ दोष की शांति के लिए रोजाना क्या किया जाए जिससे हमारे पितृ शांत रहें और हमें कष्ट प्रदान न करें। तो रोजाना पितृ शांति के लिए कुछ उपाय हैं। उन उपाय में से जितने ज्यादा आप उपाय कर सकते हो, परंतु जो भी उपाय करें नियम से करें और एक ही उपाय लगातार करता रहें तो पितृ अवश्य शांत होंगे, आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। गाय के सूखा गोबर, जिसको कंडा भी बोला जाता है, कंडी भी बोलते हैं, कुछ लोग उपले बोलते हैं, यानी गाय का ही होना चाहिए, भैंस का नहीं होना चाहिए, उस गाय के सूखे गोबर के ऊपर उसको जला करके उसके ऊपर घी शक्कर मिला करके छोड़ना है। यह कार्य सवेरे सवेरे ही कर लें, जल्दी उठ करके कर लें, घर में कोई भी भोजन करें, नाश्ता पानी करें, उसके पहले आपको यह काम करना है। और जब उस जलते हुए गाय के सूखे गोबर के ऊपर घी शक्कर आप छोड़ेंगे, तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। जब तक उस गाय के कंडे से धुआं निकलता रहता है, तब तक आपको अपने पितरों की शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जप करते रहें। घर के मुख्य दरवाजे पर दहलीज के बाहर पितरों के नाम से चार बत्ती वाला दीपक, जिसको चौमुखी दीपक भी कहा जाता है, सरसों के तेल का लगाना चाहिए और या फिर तिल के तेल का लगाना चाहिए, और यह दीपक रोजाना संध्या काल में लगाना चाहिए। एक बार और सुन लीजिएगा कि संध्या काल के समय पे घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर दहलीज के बाहर पितरों के नाम से चार बत्ती वाला दीपक, जिसको चौमुखी दीपक भी बोला जाता है, वह तिल के तेल का या सरसों के तेल का लगाएं। दीप को वहीं पर रख करके ही प्रज्वलित करना है, घर के अंदर से प्रज्वलित करके बाहर नहीं ले जाना है। और जब दीप प्रज्वलित करते हैं उस वक्त ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः ये बोलते हुए दीप का प्रज्वलित करें। तीसरा उपाय है, रोजाना एक रोटी ताजा, जो पहली रोटी बनती है, उसमें गाय को गुड़ रखकर खिलाना चाहिए, बासी रोटी नहीं होनी चाहिए। पितरों के निमित्त बड़े बुजुर्ग, वृद्ध माता पिता, दादा दादी या कोई भी वृद्ध व्यक्ति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। माह में एक बार प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम से किसी वृद्ध ब्राह्मण को, जो कि मंदिर में सेवा करता हो, उसे भोजन करावें, या मंदिर में कच्चा सामान जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक इत्यादि हो, वह मंदिर में जाकर के सीधे के रूप में दान दे दे। हमारी पुरानी परंपरा थी कि हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को एक सीधा का मतलब होता है एक थाली के अंदर एक व्यक्ति खाना खा ले, उतना अन्न, कच्चा अन्न दान दिया जाता था एक ब्राह्मण को। और यदि ब्राह्मण घर पे नहीं आता था किसी वजह से, तो मंदिर में जाकर के रख के आते थे। इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, यह परंपरा हमने छोड़ दी। इस वजह से भी पितरों का क्रोध उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से मनुष्य ऋणी हो जाता है, उसके यहां विवाह नहीं होते हैं, विवाह हो गए तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो यह सीधा नाम की एक चीज है, यह आप हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को मंदिर में अवश्य छोड़ करके आया करें। अमावस्या को घर के जाले अवश्य साफ करें, घर के अंदर जाले नहीं होना चाहिए और अमावस्या को ही साफ करना है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, इस मंत्र की 5 माला एक घी का दीपक लगा करके रोजाना करें तो पितरों की शांति होगी। ज्यादा से ज्यादा यह माला करने में 25 मिनट का समय लगता है, तो आप आधा घंटा अपने पितरों के लिए निकालिए और सुखी जीवन व्यतीत करिए, कष्टों से दूर रहिए, निरोगी काया रहेगी आपकी। करके तो देखें, पुराणों के अनुसार पितरों का निवास चंद्र के ऊपरी भाग पर है, शास्त्रों के अनुसार पितरों को चांदी की वस्तुएं बहुत प्रिय है, जैसे चांदी, दूसरा चावल, दूध, दूध से बनी हुई वस्तु खीर। अतः प्रत्येक अमावस्या को इन वस्तुओं का दान करें, खीर का दान करें, दूध का दान करें, चावल का दान करें, खिचड़ी बना करके दान करें। प्रत्येक अमावस्या को अपनी उम्र के बराबर भोजन के पैकेट बना करके बांटना चाहिए, जिससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। हर अमावस्या को जो घर का मुखिया होता है, जो पैसे कमाता है, जिसके ऊपर ऋण चढ़ जाता है, उसकी उम्र के बराबर, यानी मान लो उसकी उम्र 40 साल के आसपास है, तो 40 खाने के पैकेट बनाए, जिसमें पूरी हो, सब्जी हो, और वह पैकेट बना करके गरीबों में, वृद्ध व्यक्तियों में, बुजुर्गों में, कोढ़ी व्यक्तियों में बांटे। निश्चित तौर से आपके ऊपर पितरों का क्रोध शांत होगा, आपके यहां पैसे की आवक बढ़ने लगेगी। एक बार देखे तो देखो, एक कदम आगे बढ़ा के तो देखो, निश्चित तौर से 10 कदम ईश्वर आपके साथ में चलेगा। काले तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, अतः पितरों के निमित्त कुछ भी दान करो तो हाथ में काले तिल और कुश लेकर के ही दान करना है। तो रोजाना पितृ शांति के लिए आपको इनमें से जो उपाय आप कर सके करें, और अमावस्या के भी विशेष उपाय आपको बताए गए हैं वो अवश्य करें, निश्चित तौर से पितरों की कृपा प्राप्त होगी। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च दष्टाष्टम कर्कोटकम। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च कर्कोटकम तक्षकम च कालिये। ये मंत्र है, इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च कर्कोटकम तक्षकम च कालिये। ये मंत्र भी है, नवनाग स्त्रोत है, इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं, इससे भी पितृ बहुत शांत होते हैं। कहां किसी भी मंदिर में हवन पूजन हो रहा हो तो वहां पर आप काले तिल खरीद करके दान देने से भी पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। आप अपने घर में भी पितरों के नाम से हवन करा सकते हैं, कृष्ण के नाम से हवन करा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का काले तिल और घी शकर मिलाकर के हवन करें, उससे भी पितर की शांति होती है। आप चाहें तो रोजाना 108 आहुति या 54 आहुति या 57 आहुति आप दे सकते हैं, तो भी पितरों की शांति होगी। रोजाना घर में संक्षिप्त हवन करने से भी पितरों की शांति होती है। अब संक्षिप्त हवन का मतलब हो गया है, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप सुन लें, उनको नोट डाउन कर लीजिए और हवन करिए, कोई विधि विधान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब संक्षिप्त हवन कैसे, कि हवन अग्नि प्रज्वलित आप कर लीजिएगा, और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में हवन सामग्री तैयार कर लीजिए, काले तिल घी शक्कर मिला करके, और आसन लगा करके बैठ जाइए और हवन करना प्रारंभ करिए। अब हवन कैसे करेंगे पितरों का, संक्षिप्त हवन। ओम सिमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः स्वाहा, ओम वाणी हिरणगर्भाभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुभ्यो नमः स्वाहा, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहितासि मन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम पितरेभ्यो नमः स्वाहा। इन मंत्रों को
इस प्रकार से एक एक मंत्र को पांच पांच बार बोल करके आप हवन करें। बाद में आखिरी में जल आचमनी में लेकर के जल को छोड़ दें, आसन के नीचे जल छोड़ करके उठ जाएं। इतना भी हवन यदि आपने 10 मिनट का कर लिया तो आपको निश्चित तौर से पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां का मक्खिया, जय मां मसानी।